हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज हम एस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आयु के ऊपर बेस्ड है जो। तो देखिए, कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है बेटा। एस जब भी हमारे को दी जाएगी, हम प्रेजेंट एस कुछ मान लेंगे, वर्तमान आयु माना एक्स है। अब वो आपसे कहता है 3 साल पहले, तो मान लीजिए अगर आप अभी 15 साल के हैं तो 3 साल आप पहले कैसे बताओगे, 3 माइनस कर दोगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमें करना है। अगर मैं वर्तमान आयु प्रेजेंट एज एक्स मान रही हूँ, तो पहले निकालने के लिए आप जितने साल पहले कहा गया है वो माइनस कर देंगे, और 3 ईयर्स लेटर अगर बाद की पूछा जाएगा तो उसमें हम प्लस कर देंगे जितने भी साल बाद कह रहा है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उससे तो जिससे कहा जाता है, हमेशा पहली बात आप उसको एक्स मान लेंगे। तो माना रोहन की एज हमने कितनी मान ली, एक्स ईयर्स। तो मदर की कितनी होगी बेटा, 26 साल उससे बड़ी हैं, तो एक्स प्लस 26 हो गई है ना। 26 साल अगर आपसे कोई बड़ा है तो आप प्लस कर दोगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या कहा जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद उनकी उम्र का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो अब से 3 साल बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा, पहले हम ये देखते हैं। आफ्टर 3 ईयर्स रोहन एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और इसकी मदर भी तो 3 साल बढ़ जाएंगी, और तो एक्स प्लस 26 अभी है तो प्लस 3 कर देंगे, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 29। अब क्या कह रहा है, इन दोनों एजिस का गुणनफल, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। केयरफुली आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब ए सी भी हम देख रहे हैं 273 है, तो इसके हम फैक्टर कर देंगे, 3 से जा रहा है 3, 7 और 13। तो अब देखिए, पेयरिंग हमें इस तरीके से करनी है कि 32 बन जाए, तो 3, 7 जा 21 और 13 ये करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो आप कैसे करेंगे, 3 into 13 39 और 7, 39 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो मुझे 32 मिल सकता है। अब बड़ी टर्म के साथ हमारा बी का साइन रहेगा और छोटी के साथ माइनस का साइन, तो हमारे 2 नंबर्स ये हमने फाइनल कर लिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप सारा कैलकुलेट करोगे, एक्स प्लस 39, ये मिड टर्म स्प्लिट करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सी प्रॉब्लम इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाती है। तो हमारे पास आगे एक्स कितना आया बेटा, माइनस 39 या 7। अब माइनस में तो एज कभी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। तो एक्स कितना हो गया फाइनल, 7 ईयर्स, यानी कि रोहन की एज कितनी है, 7 साल, और मदर की एज कितनी है, वैसे हमसे सिर्फ रोहन की पूछा गया था, तो 7 + 26 कर देंगे तो मदर की एज हमें मिल जाएगी 33 ईयर्स। एक्सरसाइज 4.3 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो क्वेश्चन में हमसे 2 बातें पूछ कह रहा है, एक तो 3 साल पहले की उम्र और एक 5 साल बाद के उम्र का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो उनका टोटल करने पे 1/3 मिलता है। दैट मीन्स सबसे पहले आप इसकी प्रेजेंट एज मान लोगे। माना रहमान की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, एक्स ईयर्स। अब क्या कह रहे हैं, 3 साल पहले, 3 ईयर्स एगो लिख सकते हैं आप या पहले लिख सकते हैं ना, पहले 3 साल पहले कितनी हो जाएगी,
x में से 3 माइनस कर देंगे और 5 साल बाद क्या हो जाएगी, 5 years later. अब आप क्या करेंगे, x में 5 जमा कर देंगे. इतना तो हमने निकाल लिया है कि 3 साल पहले कितनी होगी और 5 साल बाद कितनी होगी. अब आगे कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब आपको इन दोनों का व्युत्क्रम करना है और फिर उसे प्लस करना है. तो मैंने व्युत्क्रम कर दिया और बीच में प्लस करके तब मुझे 1/3 मिलेगा. तो जो भी उसने स्टेटमेंट दी थी उसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया बेटा. अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना होता है, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना होता है, जो कि हम सीख चुके हैं. तो एलसीएम में इसके पास तीनों टर्म्स डिफरेंट हैं, तो तीनों ही टर्म्स एलसीएम में आएंगी. और क्वेश्चन सॉल्व करके जब हम लिखेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए x माइनस 3 आप छोड़ दोगे, 3 इंटू x प्लस 5 जाएगा इसके पास. 3 ब्रैकेट में x प्लस 5 प्लस 3 अगेन x माइनस 3 होगा आपकी बार, इक्वल टू x माइनस 3 एंड x प्लस 5, दोनों टर्म्स इधर वाली 3 छोड़ देंगे आपकी बार. अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी. तो हमारे पास मिल गया हमें 3 टाइम्स x प्लस 5 प्लस 3 टाइम्स x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x माइनस 3. Now it is 3x plus 15 plus 3x minus 9 equal to x square plus 2x minus 6 minus 15. Now 3x plus 3x 6x, 15 minus 9 is 6 again, x square plus 2x माइनस 15. सब टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0. दिस इज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0. तो फाइनली हमारी इक्वेशन अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है. तब इसको मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टर कर लेंगे आप, दैट विल गिव अस x माइनस 7 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0. देखिए प्लस करोगे तो माइनस 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21. तो आंसर मिल गया हमें आइदर x इज इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 3. दो सॉल्यूशन इसकी हो गई हैं. तो क्योंकि अब देखिए हम एस की बात कर रहे थे इस क्वेश्चन में, तो क्या एस माइनस 3 हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, नॉट पॉसिबल. इसको आप लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर रहमान की एस कितनी मिल गई हमें, प्रेजेंट एस इज इक्वल टू 7 ईयर्स. This is our final answer. Keep on learning, beta. Stay blessed.